वेलकम टू सोमरा बिटानिकल ने। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि एक जेर का ना गिरना। जेर के ना गिरने के बहुत से काज हो सकते हैं एज़ पर हिस्ट्री। अगर इस केस की बात की जाए तो इस एनिमल ने दो फीटस दिए थे जिसकी वजह से रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो गया था। इन्होंने दो दिन तक वेट किया था लेकिन फिर भी इसकी जेर नहीं गिरी, लेकिन एनिमल के जो खाता पीता ठीक रहा था। ये देखने ये केस मैंने किया था तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लोगों 6 से 8 घंटे इंतज़ार करना है, उसके बाद वेटरनरी डॉक्टर जो भी हो आपके करीब उसको बुलाना है। ये देख लें ये केस है, इसमें सबसे पहले मैनुअल लास्ट में जाता है, तो सबसे पहले आप लोगों ने बाई हार्मोनल थेरापी करनी होती है। ये देख लें ये प्लेसेंटा रिमूव हो गया, ये बाई मैनुअल मेथड जो होता है उस मेथड से मैंने किया था। आफ्टर ट्रीटमेंट ये देख लें एनिमल का खाना पीना ठीक है, ये देख लें। फिर मैंने इसके एनिमल के जो है ना यूट्रस वॉश की थी आफ्टर प्लेसेंटा रिमूव करने के बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आफ्टर सेकंड डे यानी कि दूसरे दिन जब मैंने विज़िट किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें एनिमल ने खाना पीना अच्छा किया हुआ है। मैंने अच्छी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की थी तो इसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है कम हो गई थी, लेकिन बाद में रिकवरी हो जाएगी क्योंकि इसके दो दिन जेर जो है ना नहीं गिरी थी, तो इस वजह से एनिमल की लाइफ फर्स्ट प्रेफरेंस पे होती है, तो मिल्क सेकंड पे, इस वजह से हाइपोटेंसी यूज़ की थी।